बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व से उनका भी दिल की गहराई से जैसल जन समूह की तरफ से अपने साथियों तरफ से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारे बीच आनंद जी के बेटे आकाश आनंद जी भी हमारे बीच में, जो युवाओं के दिल की धड़कन है, युवाओं के नेता बहुजन समाज। इसी के साथ दो जी का साइकिल देकर, जो चुनाव के लिए साइकिल देकर स्वागत करें, इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें, चार दोस्त विदा करें। जबरदस्ती देश में आम जन इससे जोड़कर
इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुनाने में लगे, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से या किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश इतने जुमले, एक जुमले के बाद दूसरा जुमला, दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला, अच्छे दिन का जुमला, नौकरियों का जुमला, किसानों की आय वाला जुमला, व्यापारियों के लिए जुमला जीएसटी और नोटबंदी। अब तो लगने लगा है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है, ये भयंकर जुमलों वाली पार्टी बन करके उभरी है। पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बन करके आ गए हम और आप लोग, कुछ लोग धोखा खा गए उनकी चाय के चक्कर में, लेकिन अब तो समझ लिया है। बताओ चाय बेकार है कि नहीं है? अब वही लोग चौकीदार बन करके आ रहे हैं आपके और हमारे बीच में। ये चौकीदार बन करके आ रहे हैं, बताओ इनकी चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और फिर न जाने क्या क्या सपने दिखाए हमें और आपको, नफरत की दीवार बना दी हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके बीच में नफरत की दीवार बनाई इन्होंने। बताओ आप सब नफरत की दीवार गिराओगे कि नहीं गिराओगे? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा के राजनीति करते हैं, लोगों को डरा के, समाज के लोगों को डरा के राजनीति करते हैं, और इतने होशियार हैं कि कब ध्यान हटा दें दिमाग से भी राजनीति करते हैं। लेकिन ये गठबंधन के लोग दिल से राजनीति करते हैं, एक बार फैसला ले लिया फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं।